जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 7। तेषां अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ने भक्ति योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, जैया कि मैं पहला कहे थो, जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी पूजा कर, मैं उन्होंने जन्म और मृत्यु का इस सागर से शीघ्र उद्धार कर दूंगा। इस तरह से कृष्ण परमात्मा उन लोगों ने आश्वासन दे रहा जो एकाग्र मन से उनकी पूजा कर, जो अपना सभी कर्म उन्होंने समर्पित कर, जो उन्होंने प्राप्त करना अपना जीवन को लक्ष्य बनावा, वो तुरंत जन्म और मृत्यु का सागर से ऊपर उठ जाओगा। आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करा, आओ श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा दिया गया आश्वासन पर विश्वास करा, आओ मैं अपने सभी कर्म न श्री कृष्ण परमात्मा न समर्पित करा, आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का प्रति अनन्य भक्ति रखा, आओ श्री कृष्ण में प्राप्त कर लो अपने जीवन को लक्ष्य बनावा, श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण का प्रति समर्पण कर अपना जीवन न सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्द न श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मन वो लोग पसंद है जो ई 8 बातों को पालन कर, मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करीशे वचनम त्व, जी को अर्थ कृष्ण मैं बइया ही करूँगा जइया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन न सब तरह की सफलता और जीत प्रदान कर। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपना दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहले वचन, हे श्रीमन नारायण, जिया थे निर्देश दिया, मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारा में सोचूँगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जिया थे सलाह दिया, मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जिया थे अनुसरण करना बोला था, मन पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था, श्रीमन नारायण मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम एक श्लोक
पढ़ना है या सुनना को वादो करूँ। मारो आठों वचन हे श्रीमन्नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने आठ वचन दिया हाँ, मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहेगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। तेषां अहम् समुद्धर्ता, मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ, मय्यावेशित चेतसाम्। ॐ तेषामहं समुद्धर्ता, मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ, मय्यावेशित चेतसाम्। जय श्रीमन नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ा से तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज एक मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ, जो कि www.narayanstrot.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहा जावा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत को पाठ पढ़े या सुने, तो संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी हुआ। यह इतनो उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन आइया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।